बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलेगांव की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेशे खिदमत हूँ। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नामनक्लेचर पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होते हैं। अगर एक बेंजीन रिंग किसी मालिक्यूल में हो तो उस मालिक्यूल को मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह अगर दो रिंग्स हों तो उसे बाईसाइक्लिक, तीन रिंग हों तो ट्राईसाइक्लिक, और जनरली हम इन सब को पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। आज के नामनक्लेचर में हम सबसे पहले मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामनक्लेचर सीखेंगे और फिर इन्हीं रूल्स को एक्सटेंड कर देंगे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स पर। अब जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनकी आगे फिर कई टाइप्स हैं, मसलन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स एटेक्स्ट्रा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग के साथ सिर्फ एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो उन्हें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कहते हैं। मसलन ये स्क्रीन पर आपको जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इन सब में रिंग के साथ एक एक ही ग्रुप अटैच है तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर किसी मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग के साथ दो ग्रुप अटैच हों सेम या डिफरेंट तो उसे डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कहते हैं। मसलन ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनमें दो दो ग्रुप्स हैं बेंजीन रिंग के साथ अटैच हैं, अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं। इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ तीन सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। तो हम अपने नामनक्लेचर की इब्तदा मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड से करेंगे। इनके लिए नाम देने के लिए दो रूल्स हैं। पहला रूल कहता है कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज फॉलोड बाय द वर्ड बेंजीन, द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड। क्या किया जाता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है और उसके बाद बेंजीन वर्ड का इजाफा कर दिया जाता है और ये सारा नाम एज वन वर्ड होता है, सिंगल वर्ड होता है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम और बेंजीन वर्ड इनमें कोई स्पेस नहीं होती बल्कि ये इकट्ठा लिखा जाता है। मसलन इसको देखें, इसमें बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन एटम अटैच है। क्लोरीन एटम का बतौर सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है क्लोरो, तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम बनेगा क्लोरो बेंजीन। इसका नाम होगा क्लोरो बेंजीन। इसी तरह यहाँ बेंजीन रिंग के साथ NO2 है, NO2 को नाइट्रो कहते हैं तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ इथाइल ग्रुप है C2H5 इथाइल, तो नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। इससे अगले में देखें, ये मैंने कोड यूज़ किया, एब्रीविएशन यूज़ की TBU। TBU स्टैंड्स फॉर टर्शरी ब्यूटाइल। अब बेंजीन रिंग के साथ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हैं तो नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। और इसी तरह अगर ब्रोमीन एटम अटैच हो तो ब्रोमीन का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम ब्रोमो है, नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह फ्लोरीन एटम हो तो फ्लोरो, आयोडीन एटम हो तो आयोडो। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को इस तरीके से नाम दिया जाते हैं, तो इनमें कोई लंबे चौड़े रूल नहीं है। अब फिर इसमें एक और रूल आ जाता है कि बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के
जो नाम है वो स्पेशल है, और उनके वो स्पेशल नेम उनमें मौजूद किसी ख़ास सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। मसलन अगर बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो तो इस कंपाउंड को फिनोल कहते हैं। तो जब भी फिनोल का वर्ड सामने आता है तो जहन में ये आ जाता है कि इससे मुराद वो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप है, यानी OH ग्रुप का मौजूद होना फिनोल नाम देता है। इसी तरह बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल हो तो मॉलिक्यूल का स्पेशल नेम है टोलीन, यानी टोलीन नाम किस वजह से है, मिथाइल की वजह से। तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम स्पेशल हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल नेम अवेलेबल हो तो फिर वो नाम यूज़ करें, और जो रूल नंबर 1 पड़ा है उसे इग्नोर कर दें, रूल नंबर 1 को इग्नोर कर दें। तो अब ये है बेंजीन रिंग के साथ OH। अगर हम रूल नंबर 1 की मदद से देखें तो इसका नाम बनेगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम मौजूद है फिनोल, तो हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं कहेंगे, हम इसे फिनोल कहेंगे। इसी तरह ये है बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल, रूल नंबर 1 की मदद से इसका नाम बनेगा मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका स्पेशल नेम टोलीन है, तो हम इसे टोलीन कहेंगे ना कि मिथाइल बेंजीन कहेंगे। फिर ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर COOH ग्रुप हो तो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, अगर NH2 हो तो एनिलीन, SO3H हो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, OCH3 हो तो एनिसोल, CHO हो तो बेंजल्डिहाइड, COCH3 हो तो एसिटोफिनोन, CH3 होल ट्वाइस, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो तो क्यूमीन, और COCl ग्रुप हो तो बेंजोइल क्लोराइड। अब ये मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेशल नेम्स हैं। स्पेशल नेम याद रखने वाली चीज़ है, तो इस चीज़ का ताल्लुक वोकेबलरी से है। एरोमेटिक कंपाउंड में बहरहाल स्पेशल नेम बहुत सारे चलते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो नामों के हवाले से। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के लिए ये दो ही रूल्स हैं। जब आपको कोई स्ट्रक्चर दिया गया हो और आपने नाम बनाना हो तो इन दो रूल को उलट तरतीब में अप्लाई किया करें, जो तरतीब मैंने बताई है उसकी उलट, यानी पहले रूल नंबर 2 को चेक किया करें फिर रूल नंबर 1 को चेक किया करें। पहले ये चेक किया करें कि इज़ देयर एनी स्पेशल नेम अवेलेबल, अगर कोई स्पेशल नेम अवेलेबल है तो फिर बस वो लिख डालें, बात ख़त्म। अगर स्पेशल नेम अवेलेबल उसके लिए नहीं है तो फिर रूल नंबर 1 अप्लाई करें कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, उसके नाम के साथ बेंजीन लिख दें, ये उसका नाम बन जाएगा। इन सब में एक और बात मैं मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा, इसमें बेंजीन में 6 पोजीशंस हैं। मैंने अभी जानबूझकर इन तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स को एक ही पोजीशन पर लगाया है। एक बात क्लियर कर दूं कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैं उनमें जो सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हैं, वाहिद सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो किसी भी जगह पर लगा हो सकता है। अब COOH है, ज़रूरी नहीं है कि बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते वक्त आप COOH को इसी कार्बन के साथ लगाएं, आप इसे किसी और कार्बन के साथ भी लगा सकते हैं जो बाकी 5 कार्बन हैं। जहां भी COOH लगाएंगे वो स्ट्रक्चर बेंजोइक एसिड का ही माना जाएगा। आपने एनिलीन को लिखना है तो NH2 को रिंग के जिस कार्बन के साथ मर्जी लगा दें, आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखना है तो SO3H ग्रुप को रिंग के जिस कार्बन के साथ मर्जी लगा दें। इसके बाद हम चलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के नामनक्लेचर की तरफ। डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के नामनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में पोजीशन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं बड़ी आसान सी एग्जांपल से। ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, CH3CH2Cl और CLCH2CH3। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही नाम रखते हैं,
और वो नाम है इथाइल क्लोराइड। इसका मतलब हुआ कि इथाइल क्लोराइड को आपकी मर्ज़ी है तो इस अंदाज में लिखें और आपकी मर्ज़ी है तो इस अंदाज में लिखें। ये दोनों स्ट्रक्चर इथाइल क्लोराइड के ही माने जाएंगे, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्लोरीन को आपने दाएं लगाया है और इथाइल को बाएं, या क्लोरीन को बाएं और इथाइल को दाएं, डायरेक्शन मैटर नहीं करती होती। अब ज़रा बेंजीन की तरफ आ जाए। बेंजीन रिंग है, इसमें 6 कार्बन्स हैं। सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने उसे एक्स कह दिया, एक फर्जी नाम दे दिया। एक्स को तमाम मुमकिन पोजीशंस पर लगाकर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये 6 स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाते हैं। अब ये 6 स्ट्रक्चर जो हैं, ये तमाम के तमाम एक ही कंपाउंड को कोरेस्पॉन्ड करेंगे। इन 6 स्ट्रक्चर का मतलब एक ही कंपाउंड होगा। फ़र्ज़ किया कि एक्स की जगह OH है, तो अब OH को आप 6 में से जिस पोजीशन पर मर्जी लगा दें, ये स्ट्रक्चर फिनोल का ही होगा। आपने फिनोल लिखना है, फिनोल का स्ट्रक्चर लिखना है। आप OH को यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ, जहाँ मर्जी लिखेंगे वो फिनोल ही कहलाएगा। इसका मतलब है कि जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होगा तो आप उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखने में आज़ाद हैं, लगाने में आज़ाद हैं कि कहाँ लगाएं। 6 में से जिस पोजीशन पर आपका दिल करे आप वहाँ उसको लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाम के वक्त भी फिर यही होगा, नाम में भी इस चीज़ को देखा ही नहीं जाएगा कि वो कहाँ लगा है। लेकिन जब डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आएंगे तो बात इतनी सादा नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? अब मैं ये कर रहा हूँ कि एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स को एक जगह पर फिक्स कर दिया, मसलन इस जगह पर मैंने एक्स को फिक्स कर दिए। इन तमाम स्ट्रक्चर में एक्स एक ही जगह पर है। अब वाई की कितनी पोजीशंस हैं, वाई के लिए कितनी जगह हैं? जहरी बात है, एक जगह तो एक्स ने अकोपाई की हुई है, तो बाकी वाई के लिए 5 जगह बची, वाई के लिए 5 जगह बची, तो 5 ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए। पहले वाई को यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, यानी एक एक पोजीशन में आगे मूव करता गया। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम अगर देखें, ये 5 स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं हैं, ये 5 स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं हैं। इसमें एक बात मैं जस्टिफाई करना भूल गया कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड में ये तमाम जगह इक्विवेलेंट क्यों हैं, ये 6 के 6 एक जैसे क्यों हैं। इसका एक मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ चेक करने का, इक्विवेलेंसी को चेक करने का, कि अब ये मॉलिक्यूल है ना, आप इमेजिन करें कि आप इसको रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पर आप तो चेक करें कि क्या आफ्टर रोटेशन इसकी एक्स की जो पोजीशन है वो इस तरह की बनेगी, रोटेशन एट एनी एंगल। तो इसका जवाब है यस। अगर हम इसको रोटेट करें राइट साइड पे करीबन 30 के एंगल पे, तो एक्स जो होगा वो यहाँ आ जाएगा और ये वाली सूरत हाल आ जाएगी। इसी तरह इसको अगर हम 30 के एंगल पर रोटेट करें तो एक्स यहाँ आ जाएगा। तो यूँ अगर आप इन 6 स्ट्रक्चर्स की आपस में रोटेशन देखें ना, तो एक स्ट्रक्चर को रोटेट करने पर वो दूसरे स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है। तो अगर 2 स्ट्रक्चर हों, आपने चेक करना हो कि क्या वो यूनिक हैं, मुनफरिद हैं या एक जैसे हैं, तो आप इस तरह उसको चेक कर लिया करें। इथाइल क्लोराइड में भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। आप इनमें से एक को 180 के एंगल पर रोटेट करें, मसलन पहले को जब आप इसको 180 के एंगल पर रोटेट करेंगे, मतलब बिल्कुल उल्टा देंगे, तो क्या होगा? क्लोरीन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और ये मिथाइल राइट साइड पे आ जाएगा और ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो रोटेशन के बाद ये दूसरे स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं। ये जस्टिफिकेशन है कि बेंजीन रिंग में 6 पोजीशन किस तरह इक्विवेलेंट होती हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में ऐसा नहीं है, ये पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है। स्ट्रक्चर नंबर 1 को आप रोटेट करें
तो ये कभी भी स्ट्रक्चर नंबर टू जैसा नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर नंबर थ्री जैसा भी नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर नंबर फाइव जैसा भी नहीं बनेगा, हाँ ये स्ट्रक्चर नंबर फोर जैसा बन सकते हैं। कैसे बनेगा? आप इसको बिल्कुल उल्टा दें 180 के एंगल पर, इसको उल्टा दें, जैसे एक बुक होती है उसको हम टोटल उल्टा देते हैं, उसका फ्रंट बैक पे ले जाते हैं, तो यहाँ भी ऐसा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो वाई होगा ये लेफ्ट पे आ जाएगा, लेकिन एक्स यहीं रहेगा, उल्टाने पर ये उसी तरह रहेगा, क्योंकि असल में हम रोटेशन लेफ्ट पे कर रहे हैं जबकि एक्स जो है वो टॉप पे है, तो टॉप वाली जगह को फर्क नहीं पड़ना, लेकिन y लेफ्ट पे आ जाएगा और इस जैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वेलेंट हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर टू और फाइव भी इक्वेलेंट बनेंगे और स्ट्रक्चर नंबर थ्री यूनिक होगा। तो इसका फिर मतलब हुआ कि डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड में तीन पोजीशंस या तीन स्ट्रक्चर मुमकिन होते हैं। अब आप स्ट्रक्चर नंबर वन लिखें या फाइव लिखें, एक फोर लिखें कि मतलब है, टू लिखें या फाइव लिखें एक मतलब है, थ्री लिखें तो एक मतलब है, तो टोटल इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ग्रुप को फिक्स करके दूसरे ग्रुप को आप या तो यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, या यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे और या यहाँ लिखेंगे, तीन इसमें पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो अब अगर हम एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को वन कह दें और बाकी कार्बन्स को नंबर दें, बाकी कार्बन्स को हम नंबर दें, तो ये पोजीशन टू कहलाएगी, और इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट से करें तो ये पोजीशन टू कहलाएगी, स्ट्रक्चर नंबर टू में ये थ्री, स्ट्रक्चर नंबर फाइव में लेफ्ट साइड से ये थ्री, और स्ट्रक्चर नंबर थ्री में ये पोजीशन फोर। तो सब्स्टिट्यूएंट डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट टू पर लगा हो सकता है, थ्री पर लगा हो सकता है या फोर पर लगा हो सकता है, फाइव और सिक्स होंगी नहीं, फाइव और सिक्स डुप्लीकेट होंगे। फाइव किसका डुप्लीकेट होगा? थ्री का, फाइव थ्री का डुप्लीकेट होगा और सिक्स टू का डुप्लीकेट होगा। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में अगर एक पोजीशन वन है तो उसके अलावा तीन ही मुमकिन पोजीशन है, तो तीन ही मुमकिन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब ये जो पोजीशंस हैं टू थ्री फोर, इनको स्पेशल नेम भी दिए जाते हैं और वो नेम है आर्थो मेटा पैरा। पोजीशन नंबर टू को आर्थो भी कहा जाता है, पोजीशन नंबर थ्री को मेटा भी कहा जाता है, पोजीशन नंबर फोर को पैरा भी कहा जाता है। अब आ जाएं इनके नामों की तरफ। डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए रूल नंबर वन, रूल नंबर वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड में जो रूल नंबर वन था उसी तरह का है कि नेम ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अल्फाबेटिकली फॉलोड बाय द वर्ड बेंजीन, द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड। दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं और उनके नामों के बाद बेंजीन लिखा जाता है और ये सारा हो एक वन वर्ड होता है। नाम के हवाले से तो हो गया कि तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने और उसके बाद बेंजीन वर्ड लिखना है। अब सवाल नंबरिंग का आ जाता है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू की जाए। तो नंबरिंग के लिए रूल ये है कि जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे आखिर में आना है नंबरिंग वहाँ से शुरू होगी, यानी जो एंटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है नंबरिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मसलन ये एक स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग के साथ, एक क्लोरीन एटम है और एक आयोडीन एटम है, क्लोरीन क्लोरो आयोडीन आयोडो, तो पहले क्लोरो आएगा फिर आयोडो, क्लोरो आयोडो बेंजीन ये नाम बनेगा। अब फिर नंबरिंग के लिए आयोडीन को हम देखेंगे क्योंकि उसका नाम क्लोरो से बाद में आ रहा है, तो जहाँ आयोडीन लगा है वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, तो ये कार्बन वन हो जाएगा। आप क्लाक वाइज या एंटी क्लाक वाइज मूव करेंगे ताकि क्लोरीन एटम को लीस्ट पोजीशन मिले, तो इस एग्जांपल में एंटी क्लाक वाइज क्लोरीन एटम नज़दीक होगा और उसकी पोजीशन थ्री बनेगी, तो पूरा नाम बन जाएगा थ्री क्लोरो आयोडो बेंजीन। आयोडो वन पे होगा, वन वाले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन नहीं की जाती, ये अंडरस्टूड होगा कि आखिरी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो वन पे है,
तो वन को मेंशन कभी नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल है, बेंजीन रिंग के साथ NO2 है और BR है, NO2 नाइट्रो BR ब्रोमो, नाम बनेगा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब नाइट्रो बाद में आ रहा है तो नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करें जहां नाइट्रो लगा है, और अब हम क्लॉकवाइज करेंगे, इधर से ब्रोमीन नज़दीक होगा, ब्रोमीन 3 पर आएगा तो नाम बन जाएगा 3 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। फिर इसी तरह ये कोर स्ट्रक्चर है, बेंजीन के साथ NO2 है और आई है, NO2 नाइट्रो आई आयोडो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाएं तो नाम बनेगा आयोडो नाइट्रो बेंजीन। नंबरिंग नाइट्रो से शुरू होगी, यानी यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, यहाँ जिस तरह से मर्जी करें आयोडो 4 पर ही आएगा, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आयोडो 4 पे आएगा, नाम बन जाएगा 4 आयोडो नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह बेंजीन के साथ फ्लोरीन F है और साथ में आयोडीन है, तो F फ्लोरो आई आयोडो, नाम बनेगा फ्लोरो आयोडो बेंजीन। आयोडो बाद में आ रहा है तो जहां आयोडो लग गए वो पोजीशन 1 होगी। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलें ताकि फ्लोरीन को लीज पोजीशन मिले, तो फ्लोरीन 4 पे आएगा, नाम बन जाएगा 4 फ्लोरो आयोडो बेंजीन। इस रूल को इवन हम 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्लोरो ब्रोमो इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बना लें, नाम बनेगा ब्रोमो क्लोरो इथाइल और आगे आ जाएगा बेंजीन, नाम बनेगा ब्रोमो क्लोरो इथाइल बेंजीन। इथाइल तीनों में सबसे एंड पे आ रहे हैं तो इथाइल वाले कार्बन को 1 कह दें। अब इस तरह चलें कि बाकियों को लीस्ट पोजीशन मिले, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो अब 2 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, तो अब नाम आएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो इथाइल बेंजीन। इसके बाद आ जाएं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 ये कहता है कि दो जो ग्रुप्स हैं, अगर उनमें से एक ग्रुप की वजह से कोई स्पेशल नेम अवेलेबल है तो फिर उस नाम को यूज़ करें, और जो दूसरा ग्रुप है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर दें, और नंबरिंग उस सब्स्टिट्यूएंट से करें जिसकी वजह से स्पेशल नेम है। मसलन ये स्ट्रक्चर है, इसमें बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप है और एक क्लोरीन क्लोरो ग्रुप है। क्लोरो ग्रुप की वजह से कोई स्पेशल नेम नहीं होता, यानी बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन एटम हो तो इसे क्लोरो बेंजीन ही कहते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ OH हो तो हम जानते हैं मालिक्यूल का नाम फिनोल होता है, तो अब हम क्लोरीन के अलावा जो बाकी पार्ट हैं इसे फिनोल कहेंगे और क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। नंबरिंग उस रिंग कार्बन से शुरू करें जिसके साथ OH अटैच है, तो ये कार्बन 1, अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 2, ये 3, 3 पर क्लोरो आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो फिनोल, 3 क्लोरो फिनोल। बेस नेम अब फिनोल होगा, बेंजीन वगैरह नहीं लिखेंगे, 3 क्लोरो फिनोल इसका नाम आ गया। एक बात जनरली बता दूँ, फिर बार बार ताकि मुझे नाम बतानी पड़े, कि आप 2 की 2 लिखना हो 2 की जगह आर्थो लिख सकते हैं, आर्थो को लिखना हो तो सिर्फ ओ लिखेंगे, 3 की जगह मेटल लिख सकते हैं यानी एम, और 4 की जगह पैरा लिख सकते हैं यानी पी, तो यहाँ आप चाहें तो 3 क्लोरोफिनोल की जगह एम क्लोरोफिनोल भी लिख सकते हैं। फिर ये कोर स्ट्रक्चर देखें, बेंजीन रिंग के साथ एक सी डबल ओ एच ग्रुप है और एक NO2 है, NO2 की वजह से कोई स्पेशल नेम अवेलेबल नहीं है लेकिन सी डबल ओ एच की वजह से है, और वो क्या है, वो बेंजोइक एसिड है, तो बेस नेम बेंजोइक एसिड होगा और NO2 नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। नंबरिंग उस रिंग कार्बन से शुरू करें जहाँ सी डबल ओ एच लग गया ये वाला कार्बन, और क्लॉकवाइज चलें इधर से NO2 2 पर आएगा तो फुल नेम बन जाएगा 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसी तरह ये कोर स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग के साथ एक सी एच ओ है और एक C3H7 है, C3H7 प्रोपाइल, इसकी वजह से कोई स्पेशल नेम नहीं है
लेकिन CHO इसकी वजह से नाम है बेंजल्डिहाइड। तो बेस नेम बेंजल्डिहाइड होगा और प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा। नंबरिंग इस कार्बन से शुरू की, क्लाक वाइज चलें, ये 2 ये 3, तो नाम बनेगा 3N प्रोपाइल बेंजल्डिहाइड। कुछ मजीद एग्जांपल हैं, इसमें देखें NO2 ग्रुप है और OH है। NO2 की वजह से कोई स्पेशल नेम नहीं होता, लेकिन OH की वजह से नेम होता है फिनोल। तो यहाँ बेस नेम फिनोल होगा। अब OH इस कार्बन के साथ अटैच है तो ये कार्बन 1 होगा। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलें ताकि NO2 को लीस्ट पोजीशन मिले। तो इस एग्जांपल में जिधर से मर्जी नंबरिंग करें NO2 की पोजीशन सेम आएगी। NO2 4 पे आएगा, नाम बन जाएगा 4 नाइट्रोफिनोल या पैरा नाइट्रोफिनोल। और फिर ये है, इसमें मिथाइल है और फ्लोरो है। फ्लोरो की वजह से कोई स्पेशल नेम नहीं है, मिथाइल की वजह से स्पेशल नेम है टोलीन। तो इसका बेस नेम टोलीन होगा। ये कार्बन 1 और ये 2, 2 पे फ्लोरो ग्रुप में नाम आएगा 2 फ्लोरो टोलीन या अर्थो फ्लोरो टोलीन। फिर इसके बाद एक और रूल आ जाता है, रूल नंबर 3, कि इफ प्रेजेंस ऑफ 2 ग्रुप्स इंडिविजुअली गिव्स राइज टू अ स्पेशल नेम, प्रायोरिटी ऑर्डर इज डिटरमाइंड व्हिच स्पेशल नेम शुड बी यूज्ड एंड व्हिच ग्रुप शुड बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। पिछले रूल में तो हमने ये देखा कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट की वजह से स्पेशल नेम हो और एक की वजह से ना हो, तो फिर तो मामला सीधा साधा है कि स्पेशल नेम यूज़ करें और जिस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से स्पेशल नेम नहीं है उसे सब्स्टिट्यूएंट बना दें। अब ये भी तो हो सकता है कि दो जो ग्रुप्स हैं दोनों की वजह से अलग-अलग स्पेशल नेम अवेलेबल हो, तो फिर सवाल ये पैदा होता है फिर किस नाम को इस्तेमाल करेंगे और किसको नहीं। तो उसका जवाब है कि फिर एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया गया ग्रुप्स का, हम उन दो ग्रुप्स की रिलेटिव प्रायोरिटी मालूम करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो हम उसके लिहाज से जो स्पेशल नेम है वो लिखते हैं और दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। वो प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ यूँ है, चंद ग्रुप्स के लिए मैंने लिखा है। SO3H लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है, तो SO3H की प्रायोरिटी ज़्यादा है COOH से, COOH की ज़्यादा है CHO से, CHO की ज़्यादा है CO से, उसकी OH से, उसकी OR से और उसकी R से। तो मसलन ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें एक ग्रुप है COOH और एक ग्रुप है OCH3। बेंजीन के साथ COOH ग्रुप हो तो मालिक्यूल का नाम बेंजोइक एसिड होता है, और बेंजीन रिंग के साथ OCH3 हो तो मालिक्यूल का नाम एनिसोल होता है। तो अब सवाल ये है कि हम इसे बेंजोइक एसिड कहें या एनिसोल कहें। तो इसका जवाब है कि चेक करें कि इन दो ग्रुप्स में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। OCH3 OR को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखें COOH और OR, इनमें COOH लेफ्ट पे है, इसका मतलब है COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को बेंजोइक एसिड कहेंगे और OCH3 को सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। OCH3 सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसे मिथॉक्सी कहते हैं। मैंने ये नाम बताए थे एल्कॉक्सी, OR एल्कॉक्सी कहलाते हैं, मिथॉक्सी, थॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी वगैरह। तो अब यहाँ पर नंबरिंग फिर COOH वाले कार्बन से शुरू होगी, जिस रिंग कार्बन के साथ वो अटैच है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, तो अब 4 पे आएगा मिथॉक्सी और बाकी नाम बेंजोइक एसिड, तो फुल नेम हो जाएगा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। एक और देखें, इसमें CH3 है और CHO है। CH3 की वजह से स्पेशल नेम अवेलेबल है टोलीन और CHO की वजह से अवेलेबल है बेंजल्डिहाइड। तो देखते हैं कौन सा नाम यूज़ किया जाए। तो CHO ये है और CH3 R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R राइट पे हैं, तो मतलब CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो हम CHO के लिहाज से नाम बनाएंगे, वो नाम बनेगा बेंजल्डिहाइड, और CH3 को सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे मिथाइल। ये कार्बन 1 होगा और ये 2 होगा, तो नाम आएगा 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड या अर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। फिर एक और है,
इसमें OH है और COCH3 है। OH की वजह से स्पेशल नेम फिनोल और COCH3 की वजह से एसीटोफिनोल। तो आर्डर चेक करें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ये COCH3 इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और OH इसके बाद आते हैं, यानी कीटो ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो हम इसका बेस नेम बनाएंगे एसीटोफिनोल और OH को बनाएंगे सब्स्टिट्यूट। यहाँ से नंबरिंग शुरू करें, ये 1 और ये 2, तो 2 पर OH सब्स्टिट्यूट है। OH सब्स्टिट्यूट हो तो उसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, तो नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल या अर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। फिर आ जाते हैं रूल नंबर 4। बहुत सारे डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऐसे हैं जिनके स्पेशल नेम्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू सर्टन ग्रुप्स, कि उनमें दो खास ग्रुप की वजह से उनका एक कलेक्टिव स्पेशल नेम आ जाते हैं। वो स्पेशल नेम उन दोनों ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से है। तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा नेम है तो फिर पिछले सारे रूल इग्नोर कर दें और ऐसा स्पेशल नेम यूज़ करें। अब मसलन इसको देखें, बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल हैं। पिछले रूल की मदद से तो इसका नाम कुछ इस तरह का बन सकता है कि एक मिथाइल को बेस नेम दे दें टोलीन और एक को सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम बना दें मिथाइल टोलीन, या रूल नंबर 1 की मदद से नाम बना डालें डाई मिथाइल बेंजीन। लेकिन इस मॉलिक्यूल का एक स्पेशल नेम है और वो नेम है ज़ाइलीन। ज़ाइलीन किसे कहते हैं? ज़ाइलीन उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ 2 मिथाइल हों, 2 मिथाइल हों तो उसे ज़ाइलीन कहते हैं। एक वाले का नाम हमने टोलीन पढ़ा है, 2 मिथाइल हों तो उसे ज़ाइलीन कहते हैं। ज़ाइलीन अब 3 होंगे, जैसा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड में नंबरिंग के कंसेप्ट के वक्त मैंने बताया कि 3 ही पोजिशन पॉसिबल होती हैं, 2, 3, 4 या आर्थोमेटा पैरा। तो उस लिहाज से ज़ाइलीन फिर 3 किस्म के हो सकते हैं कि 2 मिथाइल की रिलेटिव पोजीशन क्या है। रिलेटिव पोजीशन 1, 2 है, 1, 3 है या 1, 4 है। तो उस हिसाब से फिर 3 ज़ाइलीन है और उन तीनों ज़ाइलीन के नाम यूँ हैं, आर्थो ज़ाइलीन, मेटा ज़ाइलीन, पैरा ज़ाइलीन। फिर इसी तरह ये एक और मालिक्यूल है बेंजीन के साथ COOH ग्रुप और NH2। ये दोनों ग्रुप अगर मौजूद हों तो ऐसे कंपाउंड का नाम होता है एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। अब इसे ना तो हम बेंजोइक एसिड कहेंगे ना एनिलीन कहेंगे, हम इसे एंथ्रानिलिक एसिड कहेंगे। फिर एक और है, ये 2 COOH ग्रुप में, इसे पैथेलिक एसिड कहते हैं। पैथेलिक एसिड के फिर 2 आइसोमर भी हैं, उनके स्ट्रक्चर पे बाद में मैं हैंडआउट्स में दे देता हूँ। ये दोनों अर्थो पोजीशन पे हैं, अर्थो पोजीशन पे हों तो इसका नाम पैथेलिक एसिड है। 2 COOH ग्रुप मेटा पोजीशन पे हों तो उसका नाम होता है आइसोपैथेलिक एसिड, और अगर 2 पैरा पोजीशन पे हों तो उसका नाम होता है पेरीपैथेलिक एसिड। पैथेलिक एसिड, आइसोपैथेलिक एसिड, पेरीपैथेलिक एसिड। फिर इसी तरह अगर बेंजीन रिंग में 1 COOH ग्रुप हो और 1 OH हो, तो ना तो हम इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं ना फिनोल कहते हैं, इसका स्पेशल नेम है यहाँ OH की जगह CH3 कंसिडर करें, आप इसे समझें कि ये CH3 है। 1 COOH और 1 CH3 हो तो इसका स्पेशल नेम होता है टोलिक एसिड। ये मैं दुरुस्त कर दूँ पहले जी। अब इन तीनों को देखें, 1 COOH ग्रुप और 1 CH3 ग्रुप है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का स्पेशल नेम टोलिक एसिड है। ये टोलीन और बेंजोइक एसिड का एक कम्युलेटिव नेम है। टोलिक एसिड भी 3 होते हैं, डिपेंड करते हैं 2 ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशन पर, आर्थो मेटा और पैरा, आर्थोटोलिक एसिड, मेटाटोलिक एसिड और पैराटोलिक एसिड। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग में 2 OH ग्रुप हों तो इसका भी स्पेशल नेम है, और इसके 3 आइसोमर हैं, तीनों के अलग-अलग नाम हैं। अगर 2 OH आर्थो पोजीशन पर हों तो इसका नाम कैटिकोल है, मेटा पोजीशन पर हों तो रिसार्सिनोल,
और पैरा पोजीशन पर हों तो हाइड्रोक्विन हो। इसी तरह अगर एक मिथाइल और एक OHO तो इसका स्पेशल नेम क्रिसोल होता है। बेंजीन के साथ एक मिथाइल हो और एक OHO तो स्पेशल नेम क्रिसोल है। क्रिसोल भी तीन है, आर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। तो ये फिर मुख्तलिफ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के स्पेशल नेम्स की एग्जांपल्स हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के नामनक्लेचर में पहला पार्ट था। आज का लेक्चर पहले पार्ट पर मुश्तमिल है। कल हम इसी इन्हीं के नामनक्लेचर का दूसरा पार्ट देखेंगे और उसमें जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके हवाले से नामों को डिस्कस करेंगे। तो हैंड आउट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद हैं, इनके नाम आपने बनाने होंगे और असाइनमेंट को टाइम पर भेजना होगा। तो कल अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।